अगर मैं बाहर चला जाऊंगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। दरवाजे का लॉक खराब हो गया, आप अंदर ही अटक जाओगे। पापा बाहर गले जाके दरवाजा बैठ दो, तब तक मैं सुसु जाकर आता हूँ। पापा यहीं होना, जाना नहीं। हाँ अंश, मैं यहीं पे हूँ, लेकिन आप जल्दी कीजिए। ओके पापा। अंश, जब तक ये दरवाजा ठीक नहीं हो जाता तब तक आप दूसरा वॉशरूम यूज कीजिएगा। ओके पापा। और सुनो, अब आपकी ड्यूटी है, मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ नहाने के लिए, किसी को अंदर मत आने देना, ठीक है? ओके पापा, किसी को आने नहीं दूंगा। अभी वहां देखो, बाहर से ही आवाज दे रही थी। लाओ। अरे नहीं नहीं भाभी, इतना हैवी नहीं है, इतना सारा सामान खुद अकेले उठा कर ले आई। ये तुम्हारी साड़ी पे क्या लगाया आंटी? अरे हाँ, वो सड़क पर कीचड़ था, बगल से बाइक वाला बहुत तेजी से गया तो शायद छींटे उड़ गए होंगे। तो तुम एक काम करो, तुम जल्दी से अपने कपड़े बदल लो और ये साड़ी धोने में डाल दो, नहीं तो खराब हो जाएगी। मैं ये सब संभाल लूंगी, ठीक है? ठीक है भाभी। इसमें एक थैली है, वो अलग रख दीजिएगा, बच्चों के लिए भुट्टे लाई। भुट्टा? यश्टी नहीं है, ऑफिस चले गए होंगे, लेकिन इतनी जल्दी? बाथरूम का दरवाजा तो ठीक नहीं है, लॉक नहीं हो पाता है, चेंज भी करना है। मैं रूम का ही दरवाजा लॉक कर लेती हूँ। इधर क्यों देख रही हैं? आप उधर देखिए। I'm sorry, लेकिन अभी क्या करें? आप दरवाजा बंद करके नहीं नहा सकते थे यश जी। आरती जी, इतनी तमीज है मुझ में, और आप ही ने मुझे कहा था ना कि दरवाजा लॉक हो जाता है और आप कारपेंटर को बुलाने वाली। कही थी यश जी, लेकिन कारपेंटर था नहीं, अब पता नहीं कैसे दरवाजा खुलेगा। एक मिनट आरती जी, मैं ट्राई करता हूँ। और सुनिए, आप प्लीज उधर देखिए। हाँ मैं नहीं देख रही हूँ। Thank you.
एक मिनट। थोड़ा कस के धक्का दीजिए ना, ये जी खुल जाएगा। दरवाजा लगता है कि ये बाहर से ही खुलेगा। अंश, प्रतीक, राम दुलारे कोई है? यश जी, मत चिल्लाइए, आपकी आवाज बाहर तक नहीं जा पाएगी। क्यों? वो मैंने बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया है। वेरी गुड। एक मिनट, बहुत समझदारी का काम किया आपने। मुझे क्या पता था कि आप अंदर बाथरूम में। मैंने अंश को कहा था कि वो दरवाजे के बाहर खड़ा रहे और किसी को अंदर ना आने दे, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया। बस एक बार मैं बाहर निकल जाऊँ, उसके बाद सीधा कारपेंटर को पकड़ के मैं दरवाजा ठीक करूंगा। दूसरों के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होता। जिंदगी कैसी, मगर अब है जिंदगी में मेरी रोशनी एक जिंदगी जैसी। उन राहों पर चल देंगे हम, आप राहे जो दिखलाए हमें, हर उलझन को सुलझाए, कसक मीठी सी ले जाए, हर उलझन को सुलझाए, कसक मीठी सी दे जाए, आखिर दिल है ना, दिल है ना, ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल। खाओ बेटा, तुम भी खाओ। लीजिए मम्मी जी, आपके लिए चाय लाई हूँ, अदरक वाली है। बारिश के मौसम में आपको अदरक वाली चाय पसंद है ना, और इस बार शक्कर भी कम डाली है मैंने। तो क्या हुआ भाभी? नहीं मतलब आरती और यश जाने वाले हैं ना मुंबई, तो कुछ तय हुआ? अरे जी जी, पहले यश जाने के लिए हाँ तो कहे तब ना। ओहो, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बेचारी आरती का कितना मन था मुंबई जाने का, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब यशी जाने के लिए तैयार नहीं है तो वो अकेली थोड़ी जाएगी। मैं क्या सोच रही थी भाभी, कि अगर आरती और यश नहीं जा रहे हैं घूमने, तो प्रतीक और परिधि को क्यों ना भेज दे मुंबई। बिचारों की नई नई शादी हुई है, सावन का महीना भी है, घूम आएंगे दो चार दिन। कह तो आप ठीक रही हैं जीजी। मम्मी जी, किसी ने यश भैया को देखा है क्या? ये इनका कॉल आया है और यश भैया से बात करना चाहते हैं। बहुत देर से फोन कर रहे हैं, यश भैया फोन ही नहीं उठा रहे। पापा सुना रहे, मैं तो वहीं खड़ा था दरवाजे पे, पापा के बाथरूम का दरवाजा खराब हो गया है ना। दरवाजा खराब हो गया? पापा बोल रहे थे कि अंदर से बंद हो गया ना, तो खुलता भी नहीं है। अरे आरती भी साड़ी चेंज करने के लिए गई थी, इतनी देर हो गई वो भी नहीं आई, कहीं दोनों बाथरूम में बंद तो नहीं हो गए? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है बहू? अरे जाओ जाकर देखो क्या हुआ है। जी आरती जी, क्या कर रही हैं? टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैंने इस दीवार की पूरी टाइल्स गिनी, पता है इसमें पूरे 99 टाइल्स हैं। 99?
नहीं आरती जी, 99 नहीं 110 टाइल्स है यहाँ पे। नहीं नहीं, मैंने गिना है, 99 है। नहीं देखिए आरती जी, यहाँ से लेके 11 लाइन है, ऊपर से लेके नीचे तक 11, तो हुए ना पूरे 110 टाइल्स। आप पे टाइम पास के लिए टाइल्स गिनते हैं क्या? आरती जी, मैं और अर्पिता अक्सर ऐसे ही पागलपन किया करते थे। मुंबई में भी अक्सर हम समंदर के किनारे बैठकर लहरों को गिना करते थे, तारों को गिना करते थे, पेड़ पौधों को गिना करते थे। सच में बिल्कुल पागल थी अर्पिता, और मुझे भी पागल कर दिया करती थी, लेकिन वो सब अच्छा लगता था। यश जी, जब मुंबई में बिताए अर्पिता जी के साथ वो पल आपको याद करने में ही इतनी खुशी दे रहे हैं, तो जरा सोचिए वहां जाकर आपको कितना अच्छा लगेगा। और पलक और पायल, उनके लिए तो बस वो तस्वीरें ही यादें बनकर रह गई हैं। तो क्या वो उन तस्वीरों को देख देख के ही अपना मन बहलाती रहे? उनका भी तो मन करता है ना अपने पापा के साथ अपनी मनपसंद जगह पर छुट्टियां मनाने का। इसलिए कह रही हूँ यश जी, प्लीज एक बार पलक और पायल के बारे में सोचिए, उनकी इच्छाओं के बारे में सोचिए। चलिए ना मुंबई प्लीज। ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, चाबी ले आई हूँ, चाबी से खुलेगा। खुल गया। यश, आरती, तुम लोग अंदर हो ना? हाँ मम्मी जी, वो दरवाजा खुलेगा नहीं, अंदर से बंद हो गया। आप बाहर से खोलने की कोशिश कीजिए ना, और अगर आपसे नहीं खुलता तो किसी को बुला लाइए प्लीज। आरती, हम सब यही हैं, अभी खुल जाएगा दरवाजा। बंद कैसे हो गए थे? जी वो दरवाजा खराब। अच्छा ठीक है, नाश्ता करने के लिए आ जाओ। चलो बच्चों। वैसे आप लोग क्या कर रहे थे अंदर? कुछ भी नहीं भाभी, वो तो दरवाजा। अरे अरे, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। अच्छा, जल्दी से नाश्ते के लिए आ जाइए। सामान वामान बांध लिया है ना परी? अब तो सासू जी ने भी आज्ञा दे दी है। जी बुआ जी, आधा सामान तो बांध लिया, आधा सामान 5 मिनट में बांध दूंगी। अरे आरती बेटा। जी मम्मी जी, आपने हमें बुलाया? पलक और पायल की नानी का फोन आया था, उन्होंने कहा है कि छुट्टियों में बच्चों को उनके यहाँ भेजते हैं, तो अंश भी उनके साथ चला जाएगा। ठीक है, बच्चे कहीं नहीं जाएंगे माँ, बच्चे हमारे साथ मुंबई जा रहे हैं।
चलो अच्छा हुआ, कम से कम तूने जाने के लिए तय तो किया। बहुत खुशी की बात है ये तो, है ना? थैंक यू यशी, आपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। देखा, 5 मिनट अकेले क्या बिताए आरती ने यश के साथ, मना लिया ना उसे अपने साथ ले जाने के लिए। लेकिन तुम अपना दिल छोटा मत करो परिधि, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यश मान भी गया तो क्या, उसका भी तोड़ है मेरे पास। हेलो आरती बेटा। माँ अब मूड कैसा है तेरा? मेरी आवाज सुन के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा मूड है मेरा। मैं लिस्ट बना रही थी कि मुंबई से क्या क्या चीजें खरीदनी है। अच्छा, तो यश जी मान गए? हाँ मान गए वो। अच्छा, लेकिन बेटा ये चमत्कार हुआ कैसे? ये मत पूछिए कि कैसे और क्या हुआ, बस मान गए। ठीक है, नहीं पूछूंगी, लेकिन मुझे ये तो बता दे कि मुंबई में शॉपिंग के अलावा और क्या क्या करने वाली है तू? बहुत कुछ माँ, बहुत कुछ। यशी की वही मुस्कुराहट, वो हंसी, वो खुशी, सब कुछ उन्हें लौटा देना चाहती हूँ। इस परिवार को वो यश दी देना चाहती हूँ जो कहीं खो से गए हैं। माँ भगवान से प्रार्थना कीजिए ना कि इन छुट्टियों से जब हम लौटे तो यश बिल्कुल वैसे ही बन जाए जैसे वो पहले हुआ करते थे। बेटा मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों मुंबई से लौटो तो एक होकर। आप भी ना माँ, अभी रखती हूँ, बहुत सारी तैयारियां करनी है, आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय। नहीं नहीं परी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता परी? कोई बुरा सपना? शेष भैया, आरती भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। आरती भाभी, परी, शेष भैया, आरती भाभी, आरती भाभी, यश भैया, मम्मी जी, आरती भाभी। क्या हुआ बहू? मम्मी जी वो मैंने आरती भाभी भाभी आरती भाभी अब ठीक तो है ना? क्या हुआ परिधि, तुम रो क्यों रही हो? प्रतीक भैया ये हुआ क्या है परिधि को? पता नहीं भाभी, सो रही थी अचानक जागी। परिधि बताओगी क्या हुआ है? चुप क्यों हो, बोलो ना क्या हुआ? भाभी मैंने बहुत बुरा सपना देखा, मैंने देखा कि आप और यश भैया बच्चों के साथ मुंबई जा रहे हैं और अचानक प्लेन क्रैश हो गया, सब खत्म होगा। कहीं नहीं जाएंगे यश और आरती, मैं उन्हें घर से ही बाहर नहीं निकलने दूंगी।
हाँ ये क्या कह रही हैं आप, अब तो सारी तैयारियां हो गई हैं, टिकट्स बुक हो गई हैं, पैकिंग हो गई है, और ये तो सिर्फ एक सपना है, आप सपने के कारण इन्हें जाने से रोक रही हैं। माँ का दिल है मेरा, कैसे समझाऊं मैं प्रतीक? नहीं नहीं माँ, बेकार में घबरा रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बेकार में चिंता कर रही हूँ मैं? अरे तू तो खुद दो दो बच्चों का बाप है, तुझे पता है ना औलाद की चिंता क्या होती है। नहीं नहीं मैं मेरे यशार्थी और बच्चों को कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तो सोच के ही कांप रही हूँ, अगर अगर छोटी बहू का सपना किसी को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया ना, मैं इन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी, तो नहीं होने दूंगी, कहीं नहीं जाएंगे, ये कह दिया मैंने बस।